आज से 2-2.5 साल पहले ही मैंने ये कोर्स किया था। हम लोग कुछ 4-5 फ्रेंड थे जिन्होंने ये कोर्स नीचे ज्वाइन किया था, और नीचे ही हम लोग कार पार्क करके हम 10 मिनट पहले आ गए थे तो बातचीत कर रहे थे। मैंने मस्ती में कहा कि भाई ये जो क्लास है ना, इसका नंबर वन मैं बनूंगा। मैं खाली मेरे मुँह से ऐसे ही बोला, जबकि ना मेरी कोई तैयारी थी ना मेरी कोई प्लानिंग थी ऐसी, पर बोल दिया। फिर वो चारों हंसने लगे। मैं कहा हंसे क्यों? बोले यार पवन भाई, कभी क्लास में तो कभी पढ़े नहीं, वहाँ तो तफरी की। मैं कहा जब तफरी करनी थी तब तफरी की, पर अब जब पढ़ना है तब पढ़ना है। सर के 12 सेशन ज्वाइन किए, और लास्ट में जब सभी लोग सेलेक्ट करते हैं, सर का जैसा सिस्टम है तो उसमें सब ने मुझे सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले की बात जो मैं आती, मुझे बोलना चाहिए था कि आई कैन आई विल, तो मैं इस बात के बाद बोलता हूँ कि मैंने सोचा और आई कैन आई विल, मैंने पूरा किया। तो दौड़ होनी चाहिए, अंधी नहीं होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या, और एक उसका मेजर होना चाहिए कि मुझे इतने साल में ये काम करना है, मुझे इतने साल में ये करना है, ऐसी सारी मेरी कोई गिनतियाँ ही नहीं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि लाइफ को जो एक मैनेज लाइफ होती है, बैलेंस्ड लाइफ होती है, वो मैंने सर से सीखा या एक कोर्स से सीखा। अभी जनरली क्या है कि वर्किंग आवर्स मैं लोगों की सुनता हूँ, जैसे मेरे खुद के 12-13 घंटे थे, तो और आम लोगों के भी वर्किंग आवर्स ज़्यादा ही होते हैं। तो उसके अंदर हम हमारे फैमिली को कितना टाइम स्पेंड करें, किसके साथ कैसे करें, हम हमारे पर्सनल इंटरेस्ट को, जैसे किसी को कोई भी होगा, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता होगा, किसी को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता होगा, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता होगा, तो उसको हम कितना टाइम देते हैं, कैसे निकालते हैं। तो वो एक मैनेजमेंट जो ये कोर्स ने बताया कि वो क्या, एक एक मिनट का। तो मैं सर ने एक दिन सवाल ऐसे अपने आया था कि आपको कितना कमाते हो एक घंटे का, कैलकुलेशन में भी मैंने मेरी अमाउंट लिखी, और अमाउंट लिखने के बाद सर ने बोला कि कौन कौन क्या क्या करता है पूरे दिन में, आपके लिस्ट बना। तो उसके अंदर देखा, मैं तो इतना ही बोलूँगा, मैं 10,000 रुपये की कैंडी क्रश खेलता था रोज की। मतलब मेरा उतना टाइम मैं खाली कैंडी क्रश में और मोबाइल के गेम में यूज़ करता था, जो मुझे काम में, और मैं बीवी बच्चों को लगता है हाँ कितना काम कर रहा है, सुबह बेचारा 10 से लगा है रात को 10 बजे तक, लेकिन 2.5 घंटा 2 घंटा बैठ के वहाँ मोबाइल। तो वो एक टाइम नहीं था, कभी भी ऑफिस में कोई भी आ गया बिना इन्फॉर्मेशन के आया, और मैं काम कर रहा हूँ तो अब ऐसा तो धक्का तो दे नहीं सकते, हाँ आओ सू छे सू नहीं, मैं बस सारू जी गया मोदी छबरू को लिया हूँ, सो आई भी नहीं लाग तू न तू। तो वो चर्चा, चलो वो उस चर्चा के लिए भी एक स्थान है, एक विशेष है, लेकिन मेरे काम के जब वो ड्यूरेशन के अंदर वो मेरा काम तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब मैं उसको अगर यहाँ आके सीखा कि चलो उसको मेरे को एक टाइम देना है और मेरे को एक टाइम पीरियड में मेरा काम पूरा करना है, उसके बाद वो बातें अगर मेरे पास हो तो मैं ऐसे कैसे बोलूँ। तो मैं क्या करता था कि कोई जैसे मुझसे मिलने आता था, जैसे बताते थे कि मिलने आए हैं, तो मैं खुद ही ऑफिस से मेरी बारिश छोड़ के आ जाता, यार दोस्त आज तो सॉरी यार तेरे को बता के आना चाहिए था यार, मेरे कोई बैठे हुए, चाहे कोई नहीं बैठा हो ऑफिस में, तो बैठे हुए मैं आज नहीं मिल सकता, तू एक काम करना संडे को यहाँ इतने बजे मिल या सैटरडे रात को मिल। तो इस तरीके से मैंने एक वो मैनेजमेंट भी सीखा। ये 15 लोगों में आपने जो फीस भरी है ना, इन 15 लोगों में से सब अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग हैं, तो किसी को कोई दोस्त मिलेगा, किसी को कोई, किसी की ट्रेनिंग किसी के साथ बेटर होगी, ऑलमोस्ट 14 लोगों की ट्रेनिंग बेटर होगी 15 लोगों की, लेकिन कोई एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो आपका ये जो सारा खर्चा किया हुआ है ना यार, वो ही निकाल देगा। तो इस प्लेटफॉर्म से मेरे 4 मेरे को ऐसे दोस्त मिले कि अगर मैं बोलता हूँ कि 1,00,000 रुपये कोर्स की फीस है, तो 5 लाख खर्च के भी अगर वैसे दोस्त मिले तो भी मिलेंगे नहीं आपको। और ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा, और सफल लोगों के साथ आप अपनी बातें शेयर करोगे तो आपको आइडियाज भी अच्छे मिलेंगे। हम कोई भी चीज़ काम करते हैं तो उसका जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे आप अपने म्यूजिक सुनते हैं जब शुरुआत में सर आते हैं तो अपने दिमाग कंसंट्रेशन करने के लिए सर जो एक डीप वाला म्यूजिक सुनाते थे, वही कंसंट्रेशन क्या दिमाग के अंदर अपने रखते हुए भी अपने आसपास की चीज़ें क्या हो रहा है क्या वो महसूस करना, सबसे बड़ा ज्ञान ओशो का कहना था कि जो आदमी सुन सकता है, जो आदमी महसूस कर सकता है, सिर्फ 2 चीज करते हैं, तो उसको सब चीज़ कोई ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं, मतलब उसके अंदर ऑटोमेटिक खाली सुनो और महसूस करो सारा ज्ञान आ जाएगा। अतरेंद्रिय शक्तियाँ हैं, वो भी अपने हिसाब से अपना काम करती हैं, और मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई हर छोटी छोटी चीज़ों से सीखें और अपना पोटेंशियल पहचानें, अपने अंदर बहुत क्षमता है, बहुत ताकत है, हम चाहे जो कर सकते हैं, बस सोचने की कमी है और एप्लीकेशन, कोई सोच तो लिया कि महल तो बना लिए, पर महल बनाने के लिए कहाँ से जमीन लेनी है, रेती लानी है, सीमेंट लाना है, वो भी मेकअप अपने को पीछा कर मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा। और आप लोग सब सक्सेस रहो।
I can.